ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी राज्यों में सियासत और राजनीतिक दलों के बीच सियासी चालों का दौर तेज हो चला है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कथित अश्लील सीडी की जबरदस्त चर्चा हो रही है। यही नहीं, कथित सीडी कांड सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच लड़ाई का मुख्य मुद्दा बन गया है। विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके पास भाजपा और आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी मौजूद है। यही नहीं, गोविंद सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उनके घर आकर सीडी देखने और इच्छा होने पर एक कॉपी ले जाने की बात भी कही है। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि सीडी को सार्वजनिक करे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह पर तंज कसा कि इस उम्र में ऐसी चीजें, भजन गाने की उम्र में गजल क्यों। दरअसल पिछले दिनों अनूपपुर के उत्मा में कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बंदूक लहराते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद शिवराज सरकार ने उन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेताओं में इसी बात को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा पर हमला बोला। गोविंद सिंह ने कहा कि विधायक सुनील सराफ ने हर्ष फायर किया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। अपराधियों को सजा ही देनी है तो बीजेपी को हनी ट्रैप में शामिल लोगों की जांच कराकर सजा दिलानी चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जैसा चाल चरित्र है वैसा कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। भाजपा के कई नेता, मंत्री और विधायकों की सीडी मेरे पास मौजूद है। आरएसएस के भी कई लोग हैं जिनकी सीडी हमारे पास है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे पास सीडी है, यदि वीडी शर्मा मेरे घर आते हैं तो मैं उनका फूल और माला से स्वागत करूंगा। मैं उन्हें सीडी दिखाऊंगा लेकिन रिलीज नहीं करूंगा। हाँ, यदि वह इसकी कॉपी चाहते हैं तो वह इसे ले सकते हैं। इस पर जबलपुर में पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेदार नेता इस तरह का दावा करते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह विधानसभा में विपक्ष के नेता है, वह संवैधानिक पद पर है, उन्हें गंभीरता से बात करनी चाहिए। यह कोई खेल नहीं है कि आप मेरे घर आए और देखे। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस में वे इस तरह के ओछे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भाजपा में नहीं। जो उन्होंने कहा उसकी मैं निंदा करता हूं, और यदि वास्तव में उनके पास है जिसका दावा किया है तो लोगों के सामने जारी करे। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में आए इस कथित सियासी सीडी कांड के बीच विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने बुधवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे को, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मती, सार्वजनिक कर दो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो भोपाल, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।